रूम की तलाशी लो। सविता, ये तो वही लड़की है ना जो कुछ दिनों पहले थाने में रिपोर्ट लिखवाने आई थी। जी सर, लग तो वही रही है। क्या नाम था इसका? मनीषा साहू, शायद यही नाम बताया था। अच्छा, तुम बता सकती हो कि इसने रिपोर्ट में क्या लिखवाया था? सर, इसने लिखवाया था कि किसी लड़की ने इसे रैगिंग के नाम पे खूब परेशान किया था। कौन थी? एक मिनट। सर, अंजलि ठक्कर। अंजलि ठक्कर? जी सर। सविता? जी सर। मुझे लगता है अंजलि ने ही इसका मर्डर किया होगा। एक काम करते हैं, तहकीकात वहीं से शुरू करते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ की वार्डन हूँ। हमें अंजलि ठक्कर के रूम में लेकर चलिए। अंजलि, आपके पास इसका डुप्लीकेट चाबी है? जी हाँ, मेरे पास है। प्लीज लेकर आइए। अंजलि ठक्कर तो या नहीं है? क्या बता सकती हैं कि इस वक्त अंजलि ठक्कर कहाँ मिल सकती है? जी मैं हॉस्टल के रजिस्टर में चेक करके देखती हूँ, शायद वहाँ एंट्री होगी। प्लीज सर, आपका शक सही निकला। अंजलि ने ही मनीषा का कत्ल किया और अब वो यहाँ से फरार हो गई है। सविता, हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। सर ये देखिए, इसमें उसकी एंट्री है और वो कल ही अपने घर गई है। आपके पास अंजलि के घर का पता होगा? हमें कुछ पूछताछ करनी है। जी हाँ, मेरे पास उसका एड्रेस है। प्लीज ये लीजिए उसके घर का एड्रेस। थैंक यू। क्या आप बता सकती हैं कि हॉस्टल की चाबी रात में किसके पास होती है? चाबी तो हमेशा मेरे पास ही होती है, क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद करके चाबी हमेशा मैं अपने पास ही रखती हूँ। इसका मतलब है कि रात में कोई भी इस गर्ल्स हॉस्टल में नहीं आ सकता। थैंक यू। स्पीकर साहब, आप लोग? हमें अंजलि से कुछ पूछताछ करनी है, क्या आप उसे बुला सकते हैं बाहर? पर इंस्पेक्टर साहब, अंजलि तो घर पर है नहीं। क्यों, कहीं बाहर गई हुई है? वो तो हॉस्टल में है, घर पर नहीं आई। क्या अंजलि यहाँ नहीं आई? जी नहीं। क्या हुआ? देखिए, हम हॉस्टल से ही आ रहे हैं और कल रात हॉस्टल में मनीषा नाम की लड़की का कत्ल हुआ है। उसी सिलसिले में हमें अंजलि से कुछ पूछताछ करनी है और रजिस्टर में ये लिखा हुआ है कि कल शाम से ही अंजलि अपने घर आई हुई। अंजलि तो दो हफ्तों से घर नहीं आई। दो हफ्ते से नहीं आई है, कहाँ गई होगी? कोई आइडिया होगा आपको? इंस्पेक्टर साहब, बिन माँ की बच्ची है, बचपन से ही मैंने उसे हॉस्टल में रखा है। वैसे उसने कुछ बताया भी नहीं कि वो कहीं जा रही है, लेकिन इस कत्ल से अंजलि का क्या लेना देना है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ पूछताछ करनी। जब भी अंजलि यहाँ आए हमें फौरन इत्तला कीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई क्या? जी सर, अभी अभी आई। कातिल बहुत ही शातिर है, यहाँ तक कि उसने अपने फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़े, क्योंकि कमरा वैसे का वैसा ही रहा सर। अभिता, तुमने एक बात पर गौर नहीं, कातिल चाहे जो भी हो वो मेडिकल कॉलेज से जरूर जुड़ा हुआ होगा। और हाँ, उसे हॉस्टल की पूरी जानकारी होगी। मनीषा ने जो FIR दर्ज करवाई थी उसकी कॉपी है क्या? यस सर। मुझे रूम से कॉरिडोर तक घसीटा गया, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और मुझे सबके सामने कपड़े उतारने को कहा गया। जब मैंने मना कर दिया तो अंजलि ने जबरदस्ती मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं रोती रही पर कोई मेरी मदद करने नहीं आया। सविता, यस सर। ये FIR रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सब किया धरा अंजलि का ही। सविता, हम एक काम करते हैं, हम कॉलेज के प्रिंसिपल से और हॉस्टल के HOD से मिलते हैं। मनीषा की पिछली जिंदगी और हॉस्टल में चल रहे रैगिंग के बारे में शायद हमें कुछ पता चल सके। यस सर। चलो, क्या बता सकते हैं कि अंजलि ठक्कर और